नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ देश में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की। श्री मोदी ने देशवासियों से लापरवाही नहीं बरतने की अपील की। देश के अन्य राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर बिहार में 15 दिन का हाई अलर्ट जारी किया गया। मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ उठाए जा रहे हैं कड़े कदम। भाजपा के नेता विजय कुमार सिन्हा और राजद के अवध बिहारी चौधरी ने विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरा। कल होगा चुनाव। और राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में ठंड बढ़ी। 6.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ गया आज राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। बुलेटिन की शुरूआत से पहले ये संकल्प। कोविड 19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड 19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोगों को कोविड 19 महामारी से लड़ाई में लापरवाही न बरतने को कहा है। संक्रमित लोगों का पता लगाने और जांच बढ़ाने की आवश्यकता पर बल देते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत कोविड के साथ मजबूती से लड़ रहा है। उन्होंने देश में कोविड की स्थिति की समीक्षा के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के दौरान ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वस्थ होने की अच्छी दर के मद्देनजर बहुत से लोग सोचने लगे हैं कि वायरस कमजोर हो गया है। श्री मोदी ने सतर्क किया कि इस तरह की सोच से असावधानी बढ़ती है। हमें किसी भी हालत में ढिलाई नहीं बरतने देनी है। हाँ, शुरू में कुछ बंधन इसलिए लगाने पड़े ताकि व्यवस्थाएं भी विकसित करनी थी, लोगों को थोड़ा एजुकेट भी करना था। अब हमारे पास टीम तैयार है, लोग भी तैयार है, थोड़ा आग्रह रखेंगे तो चीजें संभल सकती। कोरोना से रिकवरी का रेट बढ़ा तो लोगों को लगता है कि ये वायरस नुकसान नहीं कर रहा है, ये कमजोर हो गया। बहुत से लोग ये भी सोचने लगे हैं कि अगर बीमार हो भी गए तो ठीक हो जाएंगे। इस वजह से लापरवाही का ये स्टेज बहुत बड़ा व्यापक हो गया और इसलिए मैंने हमारे त्योहारों की शुरुआत में ही स्पेशली राष्ट्र के नाम संदेश देकर के सबको हाथ जोड़ करके प्रार्थना की थी कि भाई ढिलाई मत बरतिए, क्योंकि कोई वैक्सीन नहीं है, दवाई नहीं है, हमारे पास एक ही रास्ता बचा है, हम हर एक को कैसे अपने अपने आप बचाएं। श्री मोदी ने संक्रमण की दर को 5% से नीचे लाने और मृत्यु दर कम करने की आवश्यकता पर बल दिया। पॉजिटिविटी रेट को 5% के दायरे में लाना ही होगा और मैं मानता हूं छोटी छोटी इकाइयों पर कहिए कि एक क्यों बढ़ा, आधा क्यों बढ़ा, 2 क्यों बढ़ा। हम राज्य के स्केल पर चर्चा करने के बजाय अब जितनी लोकलाइज चर्चा करेंगे शायद हम एड्रेस जल्दी कर पाएंगे। दूसरा, हम सबने अनुभव किया है कि आरटीपीसीआर टेस्ट का अनुपात बढ़ना चाहिए। जो घरों में आइसोलेटेड मरीज हैं उनकी मॉनिटरिंग ज्यादा बेहतर तरीके से करनी होगी। आप भी जानते हैं कि अगर वहां थोड़ी भी ढिलाई रही तो मरीज बहुत गंभीर स्थिति में अस्पताल आता है, फिर हम बचा नहीं पाते। जो गांव है, कम्युनिटी के स्तर पर हेल्थ सेंटर है, उनको भी हमें ज्यादा इक्विप करना ही होगा। गांव के आसपास भी इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक रहे, ऑक्सीजन की सप्लाई पर्याप्त रहे, ये हमें देखना होगा। हम लोगों का लक्ष्य होना चाहिए कि फर्टिलिटी रेट को 1% से भी नीचे लाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपने नागरिकों को जो भी वैक्सीन देगा वो सभी वैज्ञानिक मानकों के आधार पर सुरक्षित होगी। उन्होंने कहा कि राज्यों के साथ सामूहिक समन्वय में वैक्सीन वितरण की कार्यनीति तैयार की जाएगी। श्री मोदी ने सलाह दी कि राज्यों को शीत भंडारण सुविधाओं पर भी काम शुरू कर देना चाहिए। किस प्रकार से आप डिलीवरी नीचे तक ले जाएंगे, आप जितना जल्दी बहुत डिटेल प्लान करके लिख करके भेजेंगे तो निर्णय करने में सुविधा होगी और आपके विचारों का ताकत इसमें बहुत है। राज्यों का अनुभव बहुत अहमियत रखता है क्योंकि वहीं से ये चीज आगे बढ़ने वाली, और इसलिए मैं चाहूंगा कि आपका बहुत ही एक प्रकार से प्रोएक्टिव पार्टिसिपेशन इसमें बने, यही मेरी अपेक्षा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कोरोना वैक्सीन और कोरोना संक्रमण से बचाव पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए। श्री कुमार ने कहा कि आज के प्रस्तुतीकरण में कोरोना वैक्सीन से संबंधित बातों की जानकारी दी गई है। उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए राज्य सरकार पूरी सतर्कता बरतते हुए काम कर रही है। कोरोना वैक्सीन उपलब्ध होने की स्थिति में वैक्सीन को लोगों तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा व्यवस्थित रूप से सारी तैयारियां की जा रही हैं। इधर देश के अन्य राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर बिहार में 15 दिन का हाई अलर्ट जारी किया गया है। जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को कोविड से बचाव को लेकर आवश्यक कदम उठाने
और उसका अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। मुख्य सचिव ने बताया कि मास्क पहनने का अभियान शुरू किया गया है। निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई चालक या यात्री बिना मास्क के पाए जाएंगे तो उनके वाहन जब्त कर लिए जाएंगे। ये निर्देश सभी वाहनों पर लागू होगा। दुकानदार और ग्राहक के बिना मास्क के होने पर दुकानें सील कर दी जाएंगी। इधर प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड 19 के 653 नए मामले सामने आए हैं। सबसे अधिक 195 नए मामलों की पुष्टि पटना जिले में हुई है। वहीं बेगूसराय में 38, सारण और सुपौल में 30-30 जबकि पूर्णिया में 24 मामलों की पुष्टि हुई है। राज्य के अन्य जिलों से भी कोविड पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं प्रदेश में कोविड 19 से स्वस्थ होने वालों की दर 97.30% हो गई है। अभी कुल 5016 सक्रिय मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इधर पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी ठाकुर के पुत्र विवेक ठाकुर नोडल कोविड अस्पताल एनएमसीएम पटना के अधीक्षक और उपाधीक्षक भी इस महामारी से संक्रमित पाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के विजय कुमार सिन्हा ने आज बिहार विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र भरा। वे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार हैं। उधर राष्ट्रीय जनता दल के अवध बिहारी चौधरी ने महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र भरा। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कल होगा। विधानसभा में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पास 125 सीटें हैं, जिसमें भाजपा के 74 सदस्य शामिल हैं। एकमात्र निर्दलीय विधायक सुमित सिंह ने भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का समर्थन किया है। दूसरी ओर 75 सदस्यों के साथ राष्ट्रीय जनता दल विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है, जिसने विपक्ष के महागठबंधन का नेतृत्व किया है और इसे 110 सीटें मिली हैं। अन्य दलों को 6 सीटें मिली हैं, जिनमें एआईएमआईएम के 5 सदस्य और बहुजन समाज पार्टी का 1 सदस्य शामिल है। 17वें विधानसभा सत्र के दूसरे दिन आज नवनिर्वाचित 49 सदस्यों ने सदन की सदस्यता की शपथ ली। प्रोटेम स्पीकर चिंतनराम मांझी ने सबसे पहले श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार को सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई। उसके बाद 48 अन्य सदस्यों ने शपथ ली। सदन में अनुपस्थित रहने के कारण 4 नवनिर्वाचित विधायक सर्वश्री अनंत सिंह, अनिरुद्ध प्रसाद यादव, नरेंद्र कुमार नीरज और अमरजीत कुशवाहा आज शपथ नहीं ले सके। इसके साथ ही 243 नवनिर्वाचित विधायकों में से 239 का शपथ ग्रहण पूरा हो गया। शपथ ग्रहण के बाद विधानसभा की कार्यवाही कल 11 बजे दिन तक के लिए स्थगित कर दी गई। कल शेष 4 सदस्यों का शपथ ग्रहण और विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। श्रम संसाधन विभाग के मंत्री जीवेश कुमार और पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के मंत्री मुकेश सहनी ने अपने अपने विभागों का कार्यभार संभाल लिया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 71वीं कड़ी होगी। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि जीवन यात्रा को प्रेरित करने वाली कई कहानियां और रोचक जानकारियां उन्हें पहले से ही मिली हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से नमो ऐप MyGOV पर अपने विचार साझा करने को कहा है। 1800117800 पर हिंदी या अंग्रेजी में अपने संदेश रिकॉर्ड कराए जा सकते हैं। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल कर SMS के जरिए अपने सुझाव प्रधानमंत्री को भेज सकते हैं। प्रदेश में अगले साल 31 मार्च तक धान की खरीद की जाएगी। खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए कहा है कि सरकार ने 30 लाख टन धान खरीद का लक्ष्य तय किया है। अधिसूचना के अनुसार साधारण किस्म के धान की कीमत 1868 रुपये प्रति क्विंटल और ए ग्रेड धान की कीमत 1888 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है। धान खरीद की जिम्मेवारी व्यापार मंडल और पैक्सों को दी गई है। राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में ठंड बढ़ गई है। विभिन्न स्थानों पर न्यूनतम तापमान में सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई है। सबसे अधिक ठंड दक्षिण पश्चिम और मध्य बिहार में पड़ रही है। 6.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ गया राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। वहीं पटना का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस जबकि भागलपुर का 12.4 और पूर्णिया का 12.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 48 घंटों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट आएगी। मौसम वैज्ञानिक आरती गुप्ता ने बताया कि इस बार नवंबर माह में 12 साल में न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। केंद्र ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि इस वर्ष ठंड की समय अवधि भी पिछले कुछ सालों से अधिक रहने की संभावना है।
2008 से नवंबर माह में सबसे कम न्यूनतम तापमान में इतनी गिरावट नहीं देखी गई। पूरे राज्य में तापमान में गिरावट की मुख्य वजह आसमान का साफ रहना है। अब हवा की दिशा में बदलाव देखने को मिल रही है। इसके साथ हवा का रुख उत्तर पूर्व दिशा से चलना प्रारंभ हो चुका है, जिसके कारण आसमान में हल्की से मध्यम स्तर के बादल के आने की संभावना है, जिसके कारण रात के तापमान में आंशिक वृद्धि देखी जा सकती है एवं दिन का तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होने की संभावना है। सुबह के समय में हल्की एवं मध्यम स्तर की धुंध छाए रहने की संभावना है। केंद्र सरकार ने आज 43 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। खबर मिली थी कि इन ऐप के जरिए देश की संप्रभुता और अखंडता, रक्षा और सुरक्षा तथा सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरनाक गतिविधियां चलाई जा रही थीं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र से मिली व्यापक रिपोर्ट के आधार पर भारतीय यूजर के लिए इन ऐप पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। इससे पहले केंद्र सरकार ने 29 जून को 59 और 2 सितंबर को 118 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाया था। मोबाइल ऐप पर ये प्रतिबंध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के अंतर्गत लगाए गए हैं। केंद्र सरकार ने अगले साल 28 फरवरी तक केंद्र सरकार के पेंशनधारियों के जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अवधि बढ़ा दी है। इससे पहले सरकार ने जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अवधि 1 नवंबर से 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाई थी। कार्मिक और जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अनुसार विभाग को कई पेंशनधारियों के एसोसिएशन की ओर से कई पत्र मिले थे। साथ ही व्यक्तिगत रूप से लोगों ने जारी कोविड महामारी और कोरोना वायरस की बुजुर्ग आबादी के प्रति संवेदनशीलता को देखते हुए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अवधि और बढ़ाने का आग्रह किया था। मंत्रालय ने कहा कि लेखा महानियंत्रक के कार्यालय से सलाह मशवरे से अब यह तय किया गया है कि जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की मौजूदा तारीख आगे बढ़ा दी गई है। प्रदेश में आज एक साथ कई जिलों की जेलों में औचक छापेमारी की गई। इस दौरान सभी कैदियों के वार्ड की सघन तलाशी ली गई। पटना के बेऊर जेल समेत विभिन्न कारागारों में तलाशी के दौरान कई आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग की 65वीं संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा कल से शुरू हो रही है। 3 दिनों की ये परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। पहली पाली सुबह 9:30 से 12:30 बजे तक, जबकि दूसरी पाली अपराह्न 2 से 5 बजे तक होगी। पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने के लिए पुख्ता इंतजाम किया गया है। परीक्षार्थियों को मोबाइल, ब्लूटूथ और वाईफाई समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण साथ में ले जाने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा के दौरान कोविड से जुड़े मानदंडों को पालन करना अनिवार्य होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ देश में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की। श्री मोदी ने देशवासियों से लापरवाही नहीं बरतने की अपील की। देश के अन्य राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर बिहार में 15 दिन का हाई अलर्ट जारी किया गया। मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ उठाए जा रहे हैं कड़े कदम। भाजपा के नेता विजय कुमार सिन्हा और राजद के अवध बिहारी चौधरी ने विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरा। कल होगा चुनाव। और राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में ठंड बढ़ी। 6.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ गया आज राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड 19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।